सिद्दीक अकबर से पूछो, फारूक आजम से पूछो, उस्मान गनी से पूछो, तुमने अफजल कौन है, फजीलत वाला कौन है? ऑक्सफर्ड अली, सारे ऑक्सफर्ड अली। हजरत अबू बकर सिद्दीक को सारी उम्मत से अफजल समझने की मजबूरी मुझे इससे मौला अली की है। तुम किस तरह मसला बयान करते हो जी, को ना भी समझे तो ठीक है। मौला अली फरमाते हैं जो ना समझे अली अबू बकर को अफजल, लाज तो अहदन फदलनी अला अबू बकर उमरा इल्ला जल्लतहु हदल मुफ्तरी। फरमाते हैं अगर मैंने पाया ना किसी को कि वो मुझे अबू बकर पर अफजलियत देता है और उमर पर कहता है कि अली अफजल है, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे 80 कोड़े मारूंगा। कितने कोड़े? 80। आहिस्ता नहीं कहना, कोड़े बहुत ज्यादा है, जोर से बोलो, जोर से। हमारे पास कुरान है जो कहता है सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक, हमारे पास बुखारी है जो कहती है सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक, और तू क्या सैयद है? हमारे पास सैयदुल अरब वल अजम है, मौला अली शेर खुदा, जो ये कहता है जो मुझे अबू बकर उमर से अफजल समझेगा मैं उस खबीस को 80 कोड़े मारूंगा। YouTube पर मौजूद पीर नसीरुद्दीन नसीर की वीडियोस देखने से पता चलता है कि उनके अकायद व नज़रियात दुरुस्त नहीं थे, लेकिन चूंकि इनके हवाले से ये मशहूर कर दिया गया है कि पीर नसीरुद्दीन नसीर ने आखिर वक्त में इरफान शाह मशहदी साहब के हाथ पर तौबा कर ली थी, लिहाजा हम इन्हें बददीन या गुमराह कहने से परहेज़ करते हैं। साथ ही साथ इरफान शाह मशहदी साहब से गुजारिश है कि अगर पीर नसीरुद्दीन नसीर ने आपके हाथ पर तौबा की थी तो कोई वीडियो बयान जारी फरमा दें ताकि अवाम अहले सुन्नत के जहन से ये कन्फ्यूजन निकल सके। सहाबा का गदा हूँ और अहले बैत का खादिम, ये सब है आप ही की तो इनायत या रसूल अल्लाह।